चलो भाई। यहाँ से ठीक से सब नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं और अमरूद इनके ऊपर ज्यादा है बनिस्बत उसकी। तो ये देखिए यहाँ पर भी लगे हुए हैं और ये भी हैं, ये देखिए प्यारे से छोटे छोटे नन्हे से क्यूट से जिन्हें छोटे बच्चे ही पसंद करते हैं खाने में, ये भी कच्चे हैं काफी ज्यादा ही। तो हमें ये अभी यही चलेगा। ये थोड़ा सा पका हुआ है, इसके अलावा इस तरफ आते हैं। वैसे ये अमरूद होते हैं जो ये मैदे को भी बहुत ही साफ रखते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। मैंने खाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं काफी फिट हूँ, क्योंकि मेरा हाजमा तो नहीं कभी खराब होता। क्योंकि जो चीज ऐसे जरूरत की होती है, मुफीद होती है, तो मैं इसे नहीं छोड़ता। इधर यहाँ पर भी काफी लगे हुए हैं, लेकिन ये भी थोड़े से छोटे हैं। एक ये है, ये तोड़ लेते हैं हम, ये थोड़ा सा कच्चा है। ये वाला ये भी थोड़े तीन लगे हुए हैं, लेकिन थोड़े से कच्चे हैं। यहाँ पर इस तरफ ज्यादा लगे हुए हैं, काफी बड़े भी हैं। एक ये वाला है, ये भी हैं, ये देखें ये इकट्ठे लगे हुए हैं चार पांच। ये देखें इनके पत्ते भी कैसे सूख हुए पड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये देखें ये उल्लू है, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे परिंदे भी मिलते हैं देखने को यहाँ खेतों में, उनकी आवाजें भी आती हैं। आगे अपने चिड़िया देखिए ना, पहले अमरूद तो हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं जहाँ पर कुछ और भी हमें पौधे मिलेंगे। एक ये लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर तीन ही एक साथ लगे हुए हैं, काफी अच्छे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे माशाल्लाह कितनी ही ज्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं फल अमरूद के। ये देखें ये ब्लैक है, ये लगता है ये वेस्ट इंडीज का होगा, या यहाँ पर क्या कर रहा है। ये देखें ये भी इस जमीन से थोड़ा सा ऊंचा है बस, ये देखें ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट का फासला होगा, लेकिन माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। और वो भी देखें, ये भी एक साथ ही बड़ा हुआ है, देखें इसी जमीन के अंदर ही। और भी यहाँ पर इन्होंने जानवर के लिए फसल भी उगाई हुई है, माशाल्लाह दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा तादाद में हैं। अल्लाह पाक बढ़कर डाले इनमें। ये देखें ये यहाँ पर कितने ज्यादा तादाद में लगे हुए हैं, ये काफी पक्के भी हुए हैं। ये देखें यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है बाग और वो आगे तक जाता है। ये सरसों के पौधे लगे हुए हैं, इनका मंजर यहाँ से अच्छा लगेगा देखने के लिए। ये देखें यहाँ से, इसके बाद ये वाले ये तोड़ तार में लगे हुए हैं एक ही लाइन में। ये देखें ये दरख्त है इस तरफ भी, ये देखें ये यहाँ पर चारा लेने आए हैं अपने जानवर के लिए इस पर। ये देखें ये जो मिट्टी बाहर निकली हुई है ना, ये देखें कितनी ज्यादा इसके अंदर से, ये यहाँ पर चूहे होते हैं, जो कि चूहे यहाँ पर मिट्टी को बाहर निकाल कर अपना रास्ता बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर सर्दियों में इनके अंदर चले जाते हैं। ये है सीन देखने वाला जी, इनका बाग है ये, जो कि चादर वाले आदमी हैं खड़े हुए, इनका ये सारा बाग है। और भी यहाँ पर इनकी यहाँ पर ज़मीनें हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत ही से नेमतों से नवाजा है। यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, अभी जिनका बाग है उनसे भी आप थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं, तो वो थोड़ा सा पंजाबी में होगा, तो एडजस्ट कर लेना आप। हाँ जी चाचा जी, ये कितने पौधे हैं बाग च? ये बाग च तकरीबन 150 पौधा है। 150 ते जगह कितनी? जगह एकड़। एक एकड़? हाँ। ते वो नींबू वाला बाग वो उधर, चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं हम नींबू की तरफ और तोड़ते हैं वहां से एक दो नींबू भी। कितने साल हो गए ने लाए पौधे? 3 साल। ज्यादा तो ज्यादा कितने देर बाद अमरूद मतलब के फल आ जाता है? अच्छी पनीरी हो तो फौरन लगाने के बाद।
मैंने समझा ये पंजाबी में बात करेंगे लेके। चलो ये फंस गया सी है। कितना सोना नजारा मिलता पतझड़ का मौसम है। केड़ा है ना बूटी लगती कोई सौंफ जी सौंफ सपाड़ी सौंफ उन्हें चो अच्छा ए लगी ये सारे सौंफ की बूटियाँ है जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जिसकी सपाड़ियों में भी होती है और भी खाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है ये इतने से पौधे हैं इसके और काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं जैसे बांस के ऊंचे ऊंचे लंबे दरख्त होते हैं वैसे इनकी जिसामत बनी हुई है। यह है जामुन का दरख्त जो कि गर्मियों का बहुत ही पसंदीदा फल है और इसके बाद यह है नींबू के बड़े बड़े पौधे ये देखें माशाल्लाह कितने ही ज़्यादा लगे हुए हैं। ये सब्ज़ है ये थोड़ा सा कच्चा है वो देखें येलो कलर के जो कि पके हुए हैं यहाँ पर वे कितने ही ज़्यादा तादाद में हैं यहाँ पर। ऐसे ही ये एक ये पौधा है एक ये वाला है और कुछ आगे भी हैं। ये देखे पत्ते तो गिर गए हैं और नींबू भी कुछ यहाँ पर गिरे हुए हैं कुछ ये है और कुछ ये वाले हैं। उनकी आजकल प्राइस भी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। हाय हाय गुलाब दे फुल इन वे चाचा इन इस तरह अब आगे चलकर देखते हैं। ये यहाँ पर मुंगरे आ गए हैं ऐ थले की लाया है लस्सा में इन्हें ये काश्त नहीं हुई है ले दो महीने बाद तैयार हो जाएगा दो महीने बाद और है कि धनिया गाजर जिमे जिमे महंगाई हो रही तुसी इत्थे ही सारा कुछ लाई जांदा जी। ये देखिए माशाल्लाह काफी ज्यादा इसके ऊपर फल लगा हुआ है ये देखें ठंडी ठंडी हवा खेतों का मजा अपना ही अलग मजा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर खेत की कर ली सैर है बहुत ही प्यारी वीडियो बन गई है और चाचे का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अल्लाह और अपनी नियमतों से नवाजे। तो यहाँ पर करते हैं एंड इस वीडियो को तो देखते रहिए हमारी और भी दूसरी वीडियो। शुक्रिया जजाकल्लाह।